ਮਹਾਂਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਚੈਤਨ ਮਹਾਂਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆਇਆ 6 ਵਜੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਲਭ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੁਸਤਾਖੀ। ये जो कृष्ण भक्ति हम लोग चाहते हैं, इसके मूल में साधु संघ। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संघ। कृष्ण भक्ति हम लोग चाहते हैं जिसमें हम लोग आए। बहुत लोग बोलते हैं आजकल तो भक्ति शुद्ध भक्त अवेलेबल ही नहीं है, परंतु कृष्ण भक्ति अगर किसी को वांछित है, किसी को चाहे, तो कृष्ण ਆ
Yeah.
एक तो कल वाली बात याद रखना कि कल को 3 बजे नगर से कीर्तन। तो यही इस प्रणाली में डॉक्टरी की कृपा करें, आप भी आए और अपने साथ अपने भैया सब को लाए और इस श्रीराम संकीर्तन का नाम लिया। और एक प्रार्थना और करना चाहता हूँ कि जो कोई व्यक्ति महाराज से नामदेव में नाम का लेना चाहता है वो मेरे पास नाम नोट करा दे, क्योंकि अब ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, ऐसे शुद्ध शब्द हर जगह नहीं मिलते। इसलिए निवेदन है अगर किसी का मन में ऐसी प्रबल इच्छा है कि मैं ऐसे महान संतों से जुड़ूँ और ऐसी महान परंपरा से जुड़ूँ जिसका ब्रह्मा जी से लेकर अब तक ये लगातार चलती आ रही है, ऐसी परंपरा आपको बहुत हम देखें जब भी नाम लेना हो ऐसी महान संस्था से मिल जाइए। केवल भारतीय संस्था नहीं, वर्ल्ड के हर कोने में मान विश्व का नाम बचाने वाले हमारे भक्ति संस्थान के गोपाल गोपाल के शिष्य और हमारे ऊपर ने ऐसा ही दिव्य प्रचार किया है, जिसके प्रचार में भारत में नहीं हर देश में हरे कल हरे कृष्ण महामंत्र का नाम गूंज रहा है।
गोस्वामी जी जब नाम की महिमा